कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। क्रिश्चियन समाज कोई भी अवैध काम नहीं करता, इसके लिए वो कब्रिस्तान वैध है, अवैध नहीं है। कुछ भ्रष्टाचार की बदबू भी इसके अंदर आ रही है। कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हो गया है तो 2 साल से नहीं 5 साल से लोग बोल रहे हैं। पर जो कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन समाज इस कब्रिस्तान को नहीं लेगा। ये कब्रिस्तान तुमको चलेगा, तो उधर उन्होंने हाँ बोला। चाबी क्यों दे रहे हो, ताला भी नहीं उधर। और आगे चलकर हम कोर्ट में इसके लिए फाइट करने के लिए दलदल में बिलबल में नहीं बनाए कब्रिस्तान। अच्छी और बड़ी जगह हमको चाहिए, मतलब वो बोलेंगे हमको 2 एकड़ दे दो, ऐसा थोड़े जमता है। ब्रह्मा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया है कि मुमरा में जो क्रिश्चियन समाज के लिए कब्रिस्तान दिया गया था, उस वक्त विवाद चल रहा था और क्रिश्चियन समाज का कहना था कि हम चाबी वापस कर देंगे। और आज जो यहाँ के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी हैं, उनको क्रिश्चियन समाज ने उनसे मुलाकात की और जो चाबी फादर को दिया गया था वो चाबी इन्होंने वापस कर दिया है। और इन्होंने अलग कुछ मांग की है धनंजय गोसावी से, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज आपने कब्रिस्तान की जो है चाबी वापस कर दी है और भी कुछ मांग की है उनसे? देखिए, सबसे पहली बात यह है, क्रिश्चियन समाज कोई भी अवैध काम नहीं करता, इसीलिए जब तक जीबी में पास नहीं हुई चीज हमारे पास में दी गई थी, वो भी हमारे फादर को, फादर संदीप हमारे साथ में हैं, उनको खुद को नहीं मालूम था कि आज उनको चाबी मिलने वाला है या जो भी है। अचानक में उनके हाथ में किसी बड़े अधिकारी ने चाबी दे दी और देने के बाद में उनके पास टाइम नहीं था, वो निकल गए, तो वो ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाए। बाद में हमारे साथ में सब मुलाकात हुई, हम लोगों ने बैठ के बातचीत की कि हमको चाबी दे दिया गया है और कुछ भी प्रकार का बात हुआ नहीं है, कैसा है, जगह अलॉट हुआ है या पूरी रीति से जीबी में पास हुआ है या पेपर वर्क में हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए हमने उसी दिन ठहराया था और आप लोगों के सम्मुख में भी हमने बहुत सारी बातें रखी हैं कि किस वजह से हम अवैध इस कब्रिस्तान को लेना नहीं चाहते। और हमने कहा था कि ये चाबी हम रिटर्न करेंगे। यहाँ के अभियंता जो हैं उनके पास में यहाँ के प्रिस्ट फादर, फादर संदीप और हम सभी ने मिलकर आज उनको ये चाबी रिटर्न कर दी है, क्योंकि हम कोई भी इलीगल वर्क जो है उस प्रकार की जमीन के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। जैसे हमने गोसावी साहब से बात की, उनका कहना है कि आप लोगों का ये कहना है कि ये कब्रिस्तान जो है ये दलदल की है और जमीन काफ़ी कम है, तो आप लोगों ने दूसरे जगह इसके बदले में मांगनी की है। देखिए, इस कब्रिस्तान के मुद्दे पर हमारे भाई जो हैं मुस्लिम समाज के लोग, पहले उन्होंने भी विरोध जताया था और कुछ यहाँ के जागरूक नागरिक हैं जिनके साथ में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, सो हमें ये सारी चीज़ें मालूम पड़ रही है कि वो ज़मीन जो है दलदल की ज़मीन है, बाजू में एक सीवरेज प्लांट है जिसके वजह से वो नीचे से वहाँ पर पानी, गंदा पानी निकल रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर जो हम लाने वाले हैं, हमारी माँ बहन बच्चे या किसी ना किसी को हम अपने प्रिय को यहाँ पर ला कर डालने वाले हैं, तो जहाँ पर गटर का पानी नीचे से निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, क्या हम हमारी माँ बहन बच्चे या हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे सदस्य हैं, उनको ऐसी जगह पर दफनाएंगे? देखिए, जो भी बॉडी है उसका अंतिम संस्कार जो होता है वो बहुत अच्छी रीति से और बड़ी क्या कह सकते हैं उसको, सम्मान के साथ में होना चाहिए। क्या हम ऐसी जगह पर अपने लोगों को छोड़ेंगे, ये मेरा प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि वो जमीन छोटी है, तो अब इतनी छोटी ज़मीन लेकर क्या करें? एक तो जगह से वहाँ से गंदा पानी निकल रहा है, वहाँ पर मट्टी जो है पत्थरीली मट्टी है, उसको खोदना पड़ता है तो पत्थर निकलते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो ये पूरा डेवलपमेंट है, मैं आज सिर्फ क्रिश्चियन समाज के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ का पूरा डेवलपमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं, अभी हमारा लीगल सारी बातें चालू हैं, लीगल पेपर वर्क के ऊपर हमारे सब चेकिंग चालू है, जो हमारे पास में पेपर्स आए उसके अनुसार कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार की बदबू भी इसके अंदर आ रही है जो वहाँ पर हुआ है। कई कोटियों का मट्टी डाली गई है, वो मट्टी जो है वो कैसी है, वहाँ पर पानी नीचे निकल रहा है, जो कंपाउंड वॉल बांधी गई है, क्या वो जो वॉल थी जो गवर्नमेंट ने उनको जिस रीति से बांधने के लिए कहा गया है, पिलर्स और नीचे जो
खुद काम करके जो काम करने क्या वो हुआ है, इस सारी बात के ऊपर अभी हमारी चर्चाएं चालू है, हमारी लीगल मीटिंग्स चालू है। और इस जगह पर जो एमएम वैली के पीछे जो वहां पर जो कब्रस्तान है, क्रिश्चियन समाज इस कब्रस्तान को नहीं लेगा, हमारा एक भी बॉडी उसमें नहीं आएगी। हम लीगल लेंगे, चाहे हमको थोड़ा सा टाइम लगे, हम आगे जाकर दूसरी जगह और अच्छी और बड़ी जगह हमको चाहिए। उनका कहना था कि जो मनपा के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना था कि हमने चाबी जबरदस्ती नहीं दिया था, आप लोग के ही लोग आए थे और उनसे कब्रस्तान की मांग की थी, और कोविड में जो है प्रोसेस नहीं पूरा होता है, तो इसलिए हमने दे दिया था, प्रोसेस उसका जो है आगे चलता रहेगा। तो क्या आपको चाबी जबरदस्ती दी गई थी या आप खुद लिए थे? वो जैसे बोल रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं दी थी, तो वो सही है, उनकी तरफ से वो सही है कि उनको चाबी देना था, क्योंकि ग्रेवाइड उन्होंने तैयार रखा है तो कोविड परिस्थिति में। लेकिन मैं उस दिन गया था, मुझे और मुद्दे जो अभी जीतू भाई साहब ने उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा जगह चाहिए, ये कम है, क्योंकि हम सब क्रिश्चियन लोगों के लिए, सिर्फ रोमन कैथलिक या प्रोटेस्टेंट नहीं, सब के लिए तो बहुत ही कम है। हम घर भी बांधते तो फ्यूचर का विचार करते हैं, रास्ता भी बांधते हैं, कुछ भी करते तो फ्यूचर का, कि हमें आगे जाके दिक्कत ही ना आए, तो वो समझकर ये जगह कम है। ये बातें करने के लिए मैं गया था, अपॉइंटमेंट उसके लिए ली थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ सेकंड में ही हमारा मीटिंग ख़त्म हुआ, बात करने के लिए मिला नहीं, और किसी ने उन्हें कहा कि चाबी दे दो, तो मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन मुझे भी बताया नहीं गया था कि चाबी देना है। तो मेरे हाथ में पहले तो बड़े फादर के हाथ में दे दी गई, फिर बाद में बोलते कि मुमरा के फादर है तो उनके हाथ में दे दो, तो मुझे धक्का दे के जैसे कि आगे धकेल दिया आगे आगे। मैंने वहाँ चेष्टा भी की कि चाबी क्यों दे रहे हो, ताला भी नहीं उधर। तो मेरा कहने का यह है कि आप हमें पेपर के साथ भेजिए। जीतू सर ने बताया था कि ये कहा गया था कि आप लोग एक लाके दफन कर दो, बाद में देख लेंगे, वो तुम्हारा हो जाएगा, कहा गया। वो भी कहा गया था कि आप दफनाना चालू करो ताकि फिर आप इस्तेमाल कर सकोगे, तो शायद उनके तरफ से उन्होंने बोला कि कोविड का परिस्थिति है, दफनाना चालू करो। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा है कि जब तक लीगली अच्छी तरह से हमें मिलती नहीं, तो हम वहाँ शुरू क्यों करें? दूसरी छोटी जगह है, और अभी अभी पता चला है कि वो दलदल की जगह है, तो अभी तो वो जगह नहीं चाहिए, हमें बड़ी चाहिए और अच्छी तरह से लीगली हमें दे दीजिए। जी तो भाई, कब्रिस्तान के मुद्दे पे आप आगे क्या लीगल तरीके से प्रोसेस करेंगे? देखिए, अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने आपको मुद्दा बताया, बड़ी ज़मीन चाहिए और ये सब है, भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं इसके अंदर बदबू आ रही है, ये सारी चीज़ को देखकर हमारा जो पैनल है, लीगल पैनल, उसके पास में हमारे डॉक्यूमेंटेशन गए हैं सारे, और आगे चलकर हम कोर्ट में इसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं। गोस्वामी सर, क्रिश्चियन समाज के कब्रिस्तान का क्या पूरा मसला है? उनका कहना है कि ये अवैध कब्रिस्तान है, इसलिए हम नहीं लेंगे, और शायद चाबी भी आपको वापस कर दी है। मुमरा का जो नया कब्रिस्तान एमएम हली में बनाया गया है, उसमें से 5 एकड़ जगह टीएमसी ने अलॉटमेंट दी है, उसमें से 3 एकड़ सुन्नी लोगों को, 1 एकड़ शिया लोगों को, 20 घंटा अपने ईरानी लोगों को, और 10 घंटा क्रिश्चियन को, और 7 घंटा हिंदू स्मशान भूमि के लिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आरोग्य अधिकारी जो है उन्होंने MOH उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है, ये जगह जो दी गई, और वो फाइल का पूरा स्टैंडिंग कमेटी का, महासभा का, जनरल बॉडी का, सबका मंजूरी है ये कब्रिस्तान डिक्लेयर करने के लिए, और कमिश्नर साहब का साइन होके फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपन वर्क ऑर्डर दिया था, वर्क ऑर्डर के हिसाब से वो काम पूरा करके लिया, और 9 फरवरी 2018 में वो अपना सुन्नी लोगों का कब्रिस्तान में चालू किया है उधर। इसके लिए वो कब्रिस्तान वैध है, अवैध नहीं है। तो आपने इसके संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किए थे? क्रिश्चियन समाज का हमको एक लेटर आया था कि हमारा थाना का कब्रिस्तान बंद पड़ गए, हमारे जो लोग बॉडी की बहुत हमको मुलोन भांडो इधर उधर जाना पड़ता है, तो कल मुमरा में एक जगह है तो वो जगह हमको दे दो, कोविड का पीरियड है, कोविड के पीरियड में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो इसके लिए इंसानियत के नाते से भाई हमारा कब्रिस्तान उनको दिखाया गया, पहला 1-3 हफ्ता पहले उनको दिखाया गया था कि ये कब्रिस्तान हमारा है, हमने कंपाउंड वॉल बांधा है और पेरीफेरी में पाइवट बनाई है, ये कब्रिस्तान तुमको चलेगा, तो उधर उन्होंने हाँ बोला था, ये कब्रिस्तान हमको जगह दे दो, हमारे जो मर जाते हैं लोग उनको हमको बहुत लंबा जाना पड़ता है, हमको तकलीफ होती है, इसके लिए उन्होंने ये कब्रिस्तान की डिमांड की थी। तो उसी टाइम उनको फिर मंत्री महोदय के हाथ से 4-5 दिन के बाद में चाबी दी गई थी। अभी उनका ऐसा कहना है कि कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हो गया है तो 2 साल से नहीं, 5 साल से लोग बोल रहे हैं,
जिसको हिम्मत है वो मेरी फाइल देके, मेरा एमबी देके, मेरा काम देके, मेरा क्वालिटी देके फिर बोलो, ऐसा मुंह आए ओरली कुछ भी बोलने का ये तरीका नहीं है। हाँ, दूसरी गोष्ट उनको क्या बोलता है कि दलदल में कब्रस्तान बनाया, अभी भी बाजू वाला नाला खोदा तो 5 फुट पर हाथ मुरुम लगा था, इनको दलदल में बिलबल में नहीं बनाया कब्रस्तान। वो जगह का जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो हमेशा निकालना पड़ता है कीचड़ बिचड़, और बाद में जब मुरुम लगाया, मुरुम मानने के बाद में उसने 8 फुट कहीं 9 फुट कहीं 10 फुट ऐसा फिलिंग लैंड फिलिंग किया है। उनका डिमांड है कि हमको ज्यादा जगह दे दो, इनका दो डिमांड था कि हमको ज्यादा जगह दे दो, हमको 9 फुट 9 घंटे जगह सफिशियंट नहीं है, और दूसरे वो कब्रस्तान दलदल में बनाए, वो कब्रस्तान दलदल में नहीं बनाया है, और दूसरा उधर 8-9 फुट का मुरुम का फिलिंग के है बाजू में, 2 साल से मुस्लिम लोगों का कब्रस्तान दफन विधि वो लोग कर रहे हैं, तो इनके में भी दफन विधि है, वो करते तो इनको नहीं क्यों नहीं चलेगी। नहीं तो उनकी जो मांगनी है उस पे आप उनको जगह बढ़ा के देने का, वो हमारा जो रेशो रहता है ना डेथ रेट जो रहता है वो आरोग्य ऑफिसर के पास हमारे पास आता है, कोई भी आदमी मर गया तो टीएमसी का सर्टिफिकेट लेता है, वो सबसे हरे कास्ट का डेथ रेशियो है, वो डेथ रेशियो के हिसाब से उनको जगह अलॉटमेंट आरोग्य एमओएस ने दिए, तो वो बोलेंगे हमको 2 एकड़ दे दो, ऐसा थोड़ा जमता है क्या।